ओ भाई आ गए क्या? अब जब आ गए हो तो यार वीडियो भी देख लो। तो इस कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्लेटफॉर्म गाइड के ऊपर, और इसके मैं कुछ सर्वाइवल टिप्स भी आपको दूंगा, और टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छे वाले दूंगा जो आप लोग शायद देखे भी नहीं होंगे, थंबल में देखा होगा लेकिन मेरे। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये पॉइंट्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इनको मैं कवर करने वाला हूँ। हर एक पॉइंट पे हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वीडियो पूरा देखो, लाइक करो और चैनल का सपोर्ट दिखाओ, बाकी तो मैं हूँ ही। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई प्राइवेट मैच है, मैं ये नॉर्मल मैच नहीं खेल रहा। ठीक है, नहीं तो आप लोग कहोगे भाई प्राइवेट मैच में ये सब कैसे कर रहा है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो प्लेटफॉर्म फ्लोर्स है, तो आपको पहले फ्लोर्स को समझना होगा। तो हमने इस फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर नाम दिया है, आपको कॉर्नर में दिख जाएगा, नीचे वाले कॉर्नर में। फिर हमारा ये जो फ्लोर है ये सेकंड फ्लोर है, ठीक है, इसे हमने सेकंड फ्लोर नाम दिया है। मैं आपको फ्लोर्स क्यों बता रहा हूँ मैं आगे बताता हूँ आप लोग को। ये हमारा जो है ये थर्ड फ्लोर है, पॉइंट ए, ठीक, मतलब कि ए पार्ट है, मतलब पहला पार्ट है ये थर्ड फ्लोर का, और दूसरा पार्ट हमारा पॉइंट बी ये वाला है। ठीक है, आपको बस आराम से सारा वीडियो देखना है। फिर हमारा ये फोर्थ फ्लोर है और ये हमारा ए पार्ट है, मतलब कि पॉइंट ए है ये, और इसका जो अपोजिट वाला है जो मतलब उस बगल है वो हमारा बी पार्ट हो जाएगा, मतलब पॉइंट बी हो जाएगा। और सबसे टॉप फ्लोर हमारा ये फिफ्थ फ्लोर है। अब जो इसका एंटीना वाला पोर्शन है मैंने इसे फ्लोर में कंसिडर नहीं किया है, ये हम कंसिडर किए हैं किसी और पॉइंट में, तो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आपको सर्वाइवल के लिए फ्लोर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप गेम खेलोगे आपको पता चलेगा कि आप किस फ्लोर पे उतर के ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हो। क्योंकि लैंड करना और आपको जल्दी गन मिल जाना प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो मैं यही बोलूँगा कि आप बस कूद जाओ, बाहर चले जाओ, भाग जाओ बस, क्योंकि वरना मन्नत है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है लैंडिंग एंड लूट स्पॉट टिप्स। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमें इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो जब भी आपको लैंड करना है तो हमेशा किसी भी फ्लोर के कॉर्नर पे लैंड करना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे हर एक फ्लोर के कॉर्नर पे सबसे ज़्यादा लूट मिलता है, और सबसे ज़्यादा लूट कॉर्नर पे ही होता है। आपके जितने भी बॉक्स होते हैं, लॉन्च पैड वाले बॉक्स, गन्स के बॉक्स, मेडिक के बॉक्स, सब कुछ आपको कॉर्नर पे मिलेगा। तो ये लूट स्पॉट का टिप्स यही है कि आपको हमेशा हर एक फ्लोर के कॉर्नर पे उतरना है, और टॉप फ्लोर पे बिल्कुल मत उतर जाना, ये ध्यान रखना है। टॉप फ्लोर पे आपको नहीं उतरना है, आपको वन से लेके फोर्थ फ्लोर तक, चाहे उसका ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, आपको हमेशा कॉर्नर पे ही उतरना है। आपको कॉर्नर पे सबसे अच्छे लूट मिलेंगे, और अगर लूट नहीं मिलता है, बंदे बहुत सारे हैं, तो फिर भाग लेना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। ठीक है, आप देख सकते हो कि हर एक कॉर्नर पे आपको लूट देखने के लिए मिल जाएगा। और ये भाई मैंने इतने सारे गेम खेले हैं यार, ये बिल्कुल परखा हुआ है, मैंने देखा है कि आपको हमेशा कॉर्नर पे ही लूट मिलते हैं। और आपको एक टिप और मैं देता हूँ कि आप सबसे फर्स्ट फ्लोर पे, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर था, उस पर आप उतरना, क्योंकि उस पर सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आप पहले उतरते हो तो, बाकी सब में ज़्यादा भसड़ हो जाती है। इन केस अगर आप क्या कहते हैं कि ये स्लाइड वाले पोर्शन पर उतर जाते हो, तो आपको हमेशा नीचे साइड में आना है। जैसे कि आप, मैं बताता हूँ कि इसके पीछे वाला जो हमारा स्लाइड वाला जो स्लोप वाला पोर्शन है ना, ये वाला स्लोप वाला पोर्शन, आपको यहाँ जब भी उतरना है तो आपको स्लाइड करके ना तो बगल में जाना है ना तो उधर, आपको हमेशा यहाँ इस नीचे वाले पोर्शन पे आना है। ये सबसे सेफ होता है, क्योंकि यहाँ तक बंदे बहुत कम पहुँचते हैं। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप स्लाइड करके पहुँच जा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आप सर्वाइव कर जाओगे, अगर आपको गन मिल जाता है तो। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने, तो ये जो पॉइंट होने वाला है ये भाई काफ़ी प्रो प्लेयर्स यूज करते हैं, बहुत सारे जितने भी बीआर खेलते हैं प्रो प्लेयर्स वो सब यूज़ करते हैं, इवन यूट्यूबर्स भी। तो ये पॉइंट है रोटेशन, आपको भाई कभी भी प्लेटफॉर्म पे चल के नहीं जाना है, तो कोई भी पीछे से धप्पा मार देगा, गया टाटा फिश, आप मर गए। आपको हमेशा रोटेशन करना है, रोटेशन ये जिप लाइन के थ्रू करना है, किसी भी फ्लोर पर जाना है जिप लाइन के थ्रू जाना है। डॉग टैग अगर आपको लेना है तो जिप लाइन के थ्रू लेना है। कैसे, अगर आपका पार्टनर बताता है कि भाई इस फ्लोर पर आपका, मतलब आपके बंदे का जिप वो है, डॉग टैग है, तो आप बस उस फ्लोर का जिप लाइन पकड़ो, पहुंच जाओ वहाँ तक। ये सबसे अच्छा टैक्टिक्स है अपने अपोनेंट को कंफ्यूज करने का। और अगर एक से ज़्यादा अपोनेंट है तो आप उनको भी मार सकते हो बस इस जिप लाइन के थ्रू कंफ्यूज करके। ठीक है,
तो ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जितने भी आपके अच्छे प्लेयर्स हैं ये रोटेशन वो लोग फॉलो करते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बंदों को कंफ्यूज करने के लिए। और आपको अगर इंस्टेंट किसी पर धप्पा मारना है, मतलब किसी बंदे को पीछे से मारना है या फिर तुरंत सरप्राइज़ दे के मारना है, तो ये जो जिपलाइन वाला, ये जो रोटेशन वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ और वो जो है वो ईगल व्यू है। आप फिफ्थ फ्लोर पे आ जाओ अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बंदे नहीं समझ में आ रहे कहाँ हैं। और यहाँ से आप, हमने ईगल व्यू इसलिए दिया है क्योंकि आपको सब कुछ अच्छे से नज़र आएगा। यहाँ से आप सारे बंदों को देखो और आराम से मारो। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई बंदा यहाँ पे ऊपर आके आपको मारना जाए, क्योंकि अगर आप मारते हो यहाँ से तो ईज़िली आप स्पॉट हो जाओगे कि भाई आप यहाँ पे हो। ठीक है, तो आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। और आप एंटीना के ऊपर भी आ सकते हो और फिर एंटीना से भी आपको बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है, इसीलिए हमने इसका नाम ईगल व्यू रखा है जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। और आप यहाँ से आराम से बंदों को देखो और मारो। अब इस पे चढ़ना कैसे है, ये एंटीने पे आप यहाँ पे आके टैप करके जॉयस्टिक आगे मूव करो और फिर जंप वाला बटन दबाओ, आप ऊपर आ जाओगे और फिर यहाँ से बंदों को आराम से गोली की तरह दम धाएँ 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 बस मारते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट क्या ही है, मतलब मज़ा आ जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट है गोस्ट स्पॉट। अब मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ इसलिए बंदा आपको दिख जा रहा है। अगर आप जब फाइट के बीच में होगा और ऐसे कोई छिपा होगा ना, तो आपको सच में मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको नहीं दिखेगा वो। देख सकते हो कि ये कैसे मेरा पार्टनर छिपा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते लेकिन इतना आप जा सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि इस वाले पेड़ पे भी आप आराम से चढ़ जाओगे लेकिन सबसे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाओगे। लेकिन इस पेड़ पे ग्लिच है, आप थोड़ा और ऊपर जा सकते हो। अभी आप देखना कि थोड़ा वो मेरा पार्टनर थोड़ा और ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ पे बैठना मत, खड़े रहना, ये थोड़ा खड़े होकर रहोगे तो आप ज़्यादा छुपे रहोगे। ठीक है, देखना यहाँ पे। हाँ देखो, एक बंदा पहुँचा मेरा फिर नीचे चला गया, तो एक थोड़ा ग्लिच टाइप का है। लेकिन ये जो दोनों पेड़ हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे छुपने के तौर पे, और ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप देख सकते हो कैसे चढ़ना, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। बस जॉयस्टिक आगे मूव करो और जंप कर जाओ। आप देख सकते हो यहाँ पे आप आराम से बैठे हो, अब किसी को जिसको मन करना है उसको मारो, अब वो उस सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलेगा। ठीक, अब अगले पेड़ वाला भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कहाँ गया भाई ये लोग कलर वाला पेड़। ये चढ़ जाओ यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख सकते हो, आराम से अपन बैठ गए। ठीक है, तो ये हमारा गोस्ट स्पॉट का दूसरा हो गया। एक थर्ड वाला और है जो आप लोग को मैं भी दिखा दे रहा हूँ। ये सबसे नीचे वाले फ्लोर पे है और नीचे वाले फ्लोर पे आप देख सकते हो कॉर्नर पे हमेशा बॉक्स रहता है। अगर उसके पीछे, मैंने बहुत बार देखा है, उसके पीछे अगर कोई बंदा है तो आपको दिखेगा ही नहीं। देखो मेरा पार्टनर घुसा उसके अंदर, कोई दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है एक बंदा वहाँ पे। तो आप यहाँ से भी रह के फाइट ले सकते हो अगर बहुत ज़्यादा भसड़ मच गई है यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे तो। ठीक है, और जैसे हमने बताया था सेकंड पॉइंट में कि आपको हर एक कॉर्नर पे लूट मिलता है, अब देख ही सकते हो आपको हर एक कॉर्नर पे प्लेटफॉर्म पे लूट मिल जाएगा। अब हमारा जो सिक्स आता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप ट्रैप मास्टर वाले प्लेयर हो तो आप जिपलाइन कह रहा हूँ, आप अपना ट्रैप यहाँ पर लगा सकते हो, क्योंकि कोई भी बंदा इसको क्रॉस ज़रूर करता है, कोई भी। ठीक है, जितने भी स्लोप हैं, मतलब कि प्लेटफॉर्म पे जितने भी स्लोप हैं, आप वहाँ पे अपने ट्रैप मास्टर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारा स्लोप है यहाँ पे भी आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, ये ट्रैप मास्टर वालों के लिए एक टिप हो गया। अब चलते हैं कुछ, हमने पता नहीं कैसे हो गया यार, बस ये हो गया। अगर आपको इस पे चढ़ना है, इस चीज़ पे, तो आप कैसे चढ़ पाओगे तो ये देख लो। अभी रुक जाओ, मेरे पार्टनर्स जो हैं वो चढ़ जाएंगे, अभी आप बस देखते रहो। देखना, अभी यहाँ पे एक बंदा बैठेगा, फिर हम लोग जाके जंप करेंगे। आप कंटिन्यूस आपको जंप करते रहना अपना जॉयस्टिक मूव करके। अभी हमारा एक पार्टनर चढ़ गया, अब वो चढ़ चुका है, मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ कैसे वो ऊपर दिख रहा है कैसा। मतलब आज तक किसी ने ऐसा किया भी नहीं होगा, हमने बस थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया तो हो गया। तो पता चला कि एक बंदे को वहाँ पे नीचे बैठना है और फिर दूसरा बंदा जाके जंप करेगा। दो तीन बार आप कोशिश करोगे तो आप पहुँच जाओगे, लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही यार, अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी होगी तो आप कमेंट में बता सकते हो, वीडियो कैसा बना है आप वो भी बता सकते हो। और
बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्ले करते रहो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और बस मजे लो।